सबसे पहले जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या लगता है, क्रैक में पाई हम लोग कि ये तो साबुन तेल बेचने का मतलब किस किस को ऐसा लगता है? स्टार्टिंग में सबको लगता है हैंड रेज कर सकते हैं, राइट? ऐसा ही लगता है क्यों? क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमें क्या लगता है कि वे सेल्स का काम है, फिर क्योंकि हमें बड़ा पिक्चर नहीं पता होती, हमें बड़ा विजन नहीं पता, राइट? और वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं, बड़ी पिक्चर इन सेंस जब हम बड़े सेमिनार में जाते हैं तभी हमें वो चीज पता चलती है। पहले हम क्या करते हैं, बहुत सबसे पहले क्या होता है, ज्यादातर लोग किससे कनेक्ट होते हैं? पहले होम मीटिंग से, राइट? वहां 5-10 लोगों को देखते हैं, फिर हम ऑफिस में देखते हैं 40-50 लोगों को, फिर हम बड़ा प्रोग्राम देखते हैं, अच्छे इतने सारे लोग हैं, और फिर जब हम हॉल मीटिंग में जाते हैं, तालकटोर स्टेडियम जैसे में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बड़ी पिक्चर दिखती है कि इतने सारे लोग हैं, राइट? इतने हम इंटरेक्टिव रहते हैं, वनडे ट्रेनिंग, ठीक है? क्योंकि आने वाले स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया, आने वाले टाइम में सबको ना के थ्योरी कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली करना है, जो ना सीखा जाएगा प्रैक्टिकली, इन्विटेशन की स्क्रिप्ट सब 80-20 रूल सब याद कर सकते हैं क्या हमने सीखा था ऑनलाइन में, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि हम नहा के जो थ्योरी करी, आधा पार्ट थ्योरी करा, उसको नहा के प्रैक्टिस करा जाएगा, या वहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो ही ट्रेनिंग का बेनिफिट है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। ऑनलाइन बहुत कुछ आप सबने सीख लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि बड़ी पिक्चर हमें क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता जब हम, और ये बड़ी पिक्चर एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तभी हमें बड़ी पिक्चर पता चलती है, राइट? उससे पहले हमें पता नहीं होती। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोरोना से पहले का जो डाटा है 2015 से, उस टाइम पे बोल दिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग 2025 में 64,500 करोड़ की बनेगी, लेकिन तब तक कोरोना नहीं आया था, और जिन्होंने प्रेडिक्शन करी किसी को कोरोना नहीं पता था, कोरोना किसको पता था? किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि 100 साल में ऐसी एक बार ऐसी चीज आती है, हर 100 साल में आती है, और जब आई थी तभी हमें पता चला, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, 2021 से 2025 में बोला गया और 2020 में आया था, तो कहने का मतलब क्या, उसके बाद स्पीड और तेज होगी, क्योंकि जो हम टारगेट, क्योंकि कैसे चेंज होगी, कोरोना के आने का सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ कि सब लोगों को एक चीज रियलाइजेशन हुई कि हमें सेकंड इनकम और सोर्स होना चाहिए, सो दैट अगर एक इनकम सोर्स से नहीं आ रही है तो हमारे पास दूसरी इनकम सोर्स से आ रही है, यस? हम सब ने ये रियलाइजेशन करा, तो उसमें क्या हुआ, सेकंड इनकम सोर्स के लिए और ज्यादा पुश हो गया, प्लस साथ में हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट है, एक और हमारे सब पास अवेयरनेस हुई कि हमारे पास हेल्थ इज द ओनली वेल्थ, हम सबने ने सुना था लेकिन एक्सपीरियंस पहली बार करा, हेल्थ इज वेल्थ हमने बचपन में सुना था, बट हेल्थ इज द ओनली वेल्थ हमने एक्सपीरियंस भी कर ली, और उसमें सप्लीमेंट जो है बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ड्रग सेलिंग के अंदर दो कैटेगरी सबसे ज्यादा चलती है पूरे ओवरऑल की अगर हम बात करें, एक हेल्थ सप्लीमेंट, दूसरा कॉस्मेटिक, तो हम सब के पास दोनों कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। एक बार तालियां बजा सकते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें ऑलरेडी वर्ल्ड की अगर बात करें शायद 184 कंट्रीज है टोटल, 184 कंट्रीज टोटल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसमें 170 कंट्री के अंदर ऑलरेडी ड्रग सेलिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग 170 कंट्री में चल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें यूएस के अंदर, यूएस इज नंबर वन इन द डाटा, यूएस के अंदर सबसे ज्यादा जो है टर्नओवर जो होती है वो यूएस के अंदर होती है, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया आगे क्यों बढ़ेगा, आप सब जानते हैं आजकल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, और इंडिया के पास जो सबसे बड़ी हमारे पास स्ट्रेंथ है दैट इज यूथ, और दूसरा हमारी पॉपुलेशन, दैट इज अवर स्ट्रेंथ कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, और जिस कंट्री के पास यूथ पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती है उसकी ग्रोथ उतनी फास्ट होती है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि हम और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, वी आर इन द ग्रोइंग स्टेज,
यूएस यूके क्या है, ऑलरेडी दो तरह की कंट्री होते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री। यूएस यूके ऑलरेडी डेवलप है, ऑलरेडी डेवलप का मतलब क्या है, वहां ऑलरेडी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आ चुका है। हम क्या है, अभी हम ग्रोइंग फेज में है, और जहां पे जो कंट्री ग्रोइंग फेज में जितना ज्यादा होता है वो उतना आगे बढ़ता है। और आप नेट पे सर्च कर सकते हो, इंडिया विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर। अगर कोई न्यूज देखता है तो इंडिया जो है वो जिस स्पीड पे बढ़ रहा है, चाहे वर्ल्ड वाइड जो है रिसेशन आ रहा है, लेकिन इंडिया और आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे भी स्टार्टिंग में बोला था कि आपको इतने बड़े केक का हिस्सा आपको कितना देना है, केक का हिस्सा तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसमें से कितना ले पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि अगर आप अभी से उसको पास करेंगे तो आगे और ज्यादा हिस्सा ले पाएंगे, नहीं करेंगे तो आप उस केक का हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सबको क्लियर हो रहा है? एक बार आवाज नहीं आती हूँ। yes! अब बात करते हैं मोदी केयर की। 2020 हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड ओवर इंडस्ट्री के लिए स्लोइंग फेज था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जॉब और बिजनेस पर इंपैक्ट था। और 2020 के अंदर ही मोदी केयर का टर्नओवर 2019 में 1000 करोड़ था और 2020 में 1800 करोड़ हुआ, यानी कि 80% की ग्रोथ हुई। और एक कंपनी के लिए 8-10% की ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाती है। उस टाइम पे ये बढ़ रहा था जब कुछ नहीं चल रहा था, हम सब जानते हैं, उस टाइम पे बढ़ रहा था तो आने वाले टाइम में और क्या होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं सुबह से लेके अगली सुबह तक हमारे पास प्रोडक्ट आने वाले। नेक्स्ट अगर बात करें, आज की डेट में 55 लाख ड्रेक्स सेलर मोदी के साथ कनेक्टेड है और 10,000 ज्वाइनिंग डेली होती है। आपको देखना है आपकी ज्वाइनिंग उसमें से दो या एक या दो हो रही है कि नहीं हो रही। 10,000 लोग तो डेली ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको अपने लिए सोचना है, ये तो ओवरऑल डाटा है, अब आपको अपने लिए सोचना है क्या आपके आपके साथ या आपकी टीम में कम से कम 2-5 ज्वाइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये होंगी तो ही नेटवर्क बड़ा होगा, अगर वो नहीं होगी तो नेटवर्क बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर बात करें 5,000 टाउन का मतलब क्या है कि कितने इंडिया के अंदर 5,000 टाउन के अंदर जो है सामान की डिलीवरी होगी। तो यानी कि एक ऐसा बिजनेस है आप ना बैठे बैठे अपने एमसीए नंबर से पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 5 लाख स्क्वेयर फीट के ऑफिस है और 17,000 पिन कोड सर्विस। 17,000 पिन कोड का मतलब क्या है कि जब आप दिल्ली नहीं पूरे इंडिया के अंदर 17,000 पिन कोड के अंदर सामान पहुंच जाता है। सबको मालूम है हमारे पास कोरियर सर्विस है। yes, yes. और आप अपने नंबर से पूरे इंडिया में आप कोरियर करवा सकते हो। और स्टैंडर्ड रेट है, अगर आप करवाने जाओगे तो आपको वेट के हिसाब से देना पड़ेगा, आपको उससे महंगा पड़ेगा। आपको यहाँ पे कुछ वेट के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ बिलिंग करोगे 4,000 रुपए से ऊपर है तो कोई डिलीवरी चार्ज भी लगते हैं, 4,000 से नीचे 77 कोरियर चार्ज लगते हैं। तो आप उसका बेनिफिट लेके आप पूरे नेटवर्क पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और 15,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट डीपी भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं इंडिया का डाटा। 2019-20 में 16,776 करोड़ का टर्नओवर हुआ, ये पूरे इंडिया के अंदर सारी कंपनीज का मिला के। फिर से 18,000 हुआ, फिर 19,020 हुआ, और 2021 और 2025 में जो प्रेडिक्शन है केपीएमजी और फिक्की की, इट इज नॉट एनी अदर, फिक्की और केपीएमजी एक नामी नाम है, उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से क्या 2025 में 19,000 का 64,500 करोड़ तक हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा। अब आपको देखना है कि वो तो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका चेक कितने गुना मल्टीप्लाई होना चाहिए, अभी से अगर डिसाइड करेंगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो ये एक और जो अब सबसे इम्पोर्टेंट, जहां तक तो हमने बात करी कि हमने बिग पिक्चर की बात करी, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी, मोदी केयर के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी 100 वी वर्कशॉप करी थी कि 120 पीवी अगर हम करते हैं अपनी अपना और अपनी टीम में तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं। 120 पीवी का मतलब है 6-7 हजार की शॉपिंग, और हम सबके घर में 5-10 हजार का सामान आता ही आता है, नहीं आता तो 3-4 हजार का अपने घर में यूज कर सकते हो, बाकी की आप रिटेलिंग कर सकते हो। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ में आपने एक ही पर्सन को ज्वाइन करा तो आपका 240 जीपीवी बना, यानी कि आप
6480 तो हम क्या बन गए, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से एफएफसी हो गया। इसमें क्या आठ मंथ में क्या दिखाया गया, हर पर्सन एक और पर्सन को ला रहा, यहाँ पे दो हुए तो 2+2 4 हुआ, 4+4 8 हुआ, तो यहाँ पे ग्रुप बिजनेस वाले बढ़ता गया। और अगर ये आठ महीने हुआ तो आठवें महीने आपकी इनकम 1.5 लाख हो सकती है। मैं मानता हूँ कि ये सारा कुछ सब लोग काम नहीं करेंगे, अगर इसका 50% हुआ तो 75,000 हो सकती है, और कुछ नहीं तो 10-20% भी हुआ तो भी आपकी इनकम 15,000-20,000 हो सकती है आठ महीने के अंदर भी। बट अगर हमने इसको फॉलो करा कैसे कि ज्वाइनिंग करी और ज्वाइनिंग हम लेकर आए और उनको भी 120 PV का कल्चर लेके आए, क्योंकि जो कल्चर हम बताएंगे, क्योंकि जो नया पर्सन आता है उसे कुछ नहीं बताओ, उसे आप वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, आप उसे लाए हो आप कैसे उसे सक्सेसफुल बना सकते, राइट। जो अगर जो आप फॉलो करोगे और आप आगे बताओगे तो वो आपको फॉलो करेगा, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं बता होता। तो अगर इसी स्ट्रक्चर का 10-20% भी हुआ तो 20,000-25,000 का आपका चेक आ सकता है। अब आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कितना बड़ा केक का हिस्सा लेना चाहते हैं। तो कौन कौन तैयार है केक का हिस्सा लेने के लिए,